रमज़ान चल रहा है तो ऐसी वीडियो की वैसे भी बहुत ज़रूरत थी। वट आई फील इज़ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। ये लास्ट एपिसोड भी था, द बिगेस्ट मैसेज इन लाइफ शुड बी ऑफ सबर। हे गाइज, इट्स क्रिस्लीन, वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ तबलीगी जमात पार्ट 5 पे। सो दिस वीडियो इज़ बाय आर वाइन्स एंड हमने ये वीडियोज बहुत देखी, इसके पहले पार्ट्स भी देखे हैं। डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक एंड द ओरिजिनल चैनल। ये तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स है, अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अमीर साहब, ये रहा अंजुम साहब का घर। अख्तर साहब, बेल बजाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, अंजुम साहब हैं घर पे? जी हाँ, बुला ले जरा उनको। वाह, अंजुम साहब के लिए दुआ करें कि जिस मकसद से हम आए हैं अल्लाह उनका दिल नरम करे और हमारे साथ चले। अंजुम भाई की तबीयत सही नहीं, वो नहीं आ सकते। तबीयत नहीं की, उन्हें बोल दो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। दीन व यकीन की बात होगी, आप अगर हमें थोड़ा सा वक्त दे दें आपका वक्त कीमती हो जाएगा। जिक्र असकार दें। ये क्या लगा के रखा हुआ है आप लोगों ने? रोज का यही तमाशा। जब एक बार आपको मैंने बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको समझ जाना चाहिए। इस बार प्यार से समझा रहा हूं, अगली बार धक्के देकर समझाऊंगा। और कुछ काम धंधा कर लिया करो, नाकाम के नाकाज के दुश्मन अनाज के। इतना गुस्सा, अल्लाह आपको शिफा दे और अल्लाह आपसे दीन का काम ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इलियास भाई, किसकी तरफ गश्त करना है? जी अमीर साहब, अब तो जमल साहब की तरफ जाना है। चलिए, जिक्र अस्कार के साथ नजरों की हिफाजत। नजरों की हिफाजत, काफी रूड बिहेवियर था वैसे तो। रियाज साहब, अमीर साहब ने जवाब क्यों नहीं दिया? नकाश साहब, अमीर साहब जवाब दे सकते थे और उनकी जगह हम भी जवाब दे सकते थे, लेकिन इस वक्त वो हमारी जमात के अमीर हैं। यकीनन उनके दिल में अल्लाह ने कुछ ना कुछ डाला होगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कराते हुए आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। देखो, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये डील हमें नहीं मिली तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, तो मोवा कंपनी के ऑनर के साथ मेरी मीटिंग किसी भी तरीके से फिक्स करवाओ। हाँ बिल्कुल, इसका बिजनेस खत्म हो जाएगा यार बस। हाँ ओके, डन हो गया, डन हो गया, थैंक यू। आपको अंदर बुलाया जा रहा अंजुम भाई, आइए आइए, तशरीफ रखे। अंजुम भाई, बातें तो चलती रहेगी, ये बताए चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? मेरे ख्याल में कॉफी ठीक है। अब्दुल हादी, जय मीर साहब।
एक काम करो, एक दो कप कॉफी ले आओ, और अगर आपकी तबीयत हो रही है तो आप भी ले लो। ठीक है अमीर साहब। स्वीट कॉफी के साथ खजूर ले आओ। ले आओ खजूर भी। ठीक है अमीर साहब। कितना शर्मिंदा है। थैंक यू सो मच आसिम भाई, आपने हमारी कंपनी को डुबोने से बचा लिया। अंजुम भाई कोई मसले की बात नहीं, आप हमारे भाई हैं। एक बात पूछूं अगर आप माइंड ना करें। जी ज़रूर पूछें। उस दिन मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, क्या आपको पता था कि अगर आप हमारी मदद ना करें तो हमारी कंपनी डूब जाएगी? जी अंजुम भाई, मुझे इस बात की इल्म थी कि ये डील आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। उस दिन आप मेरे घर तशरीफ लाए थे, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, इतनी बातें सुनाई। अगर आपने मुझे उस वक्त बता दिया होता कि आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं तो मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करता, बल्कि मैं सीधा आपके साथ उसी वक्त चलता। सुभान अल्लाह। अंजुम भाई मैं आपको जवाब देने से पहले एक किस्सा सुनाता हूँ। जी सलाम अलैकुम। क्या सलाम अलैकुम? ओ अच्छा। बट आई वॉन्ट टू नो, ऐसा असली में होता है क्या कि मतलब लोग ऐसे रूडली बिहेव करते हैं जमात वालों के साथ? आप लोगों को कोई टाइम है? इंसान तक हुआ आज आप लोग गेट पे खड़े रहते हो, सबसे फारिग लोग हो आप, जाके कोई काम धंधा ढूंढो। He's still smiling. إن الله مع الصابرين. बताना चाहिए था कि तबलीग फारिग लोगों का काम नहीं है, बल्कि आप उसको बता देते कि आपके 22 रेस्टोरेंट हैं पूरे पाकिस्तान में, एक फैक्ट्री है आपकी, प्रॉपर एक बिजनेस है आपका। दानियाल भाई का ही बता देते कि वो एक बहुत बड़े सर्जन हैं, उनको पता चलता कि तबलीग जो है ये फारिग लोगों का काम नहीं है। फरहान भाई अगर मैं उसे पैसों से इम्प्रेस करता तो शायद उसके दिल में दीन की मोहब्बत ना आती, और उस चीज़ से इम्प्रेस ही क्यों करूं जो कल को यही रह जाती। उसने हमें धक्का दिया, बातें सुनाई, हमने सब्र किया अल्लाह के रज़ा के लिए, शायद हमारा सब्र उसे कबूल कर दे और मस्जिद ले आए। ठीक कह रहे हैं अमीर साहब। क्या बात है अमीर साहब, आपका सब्र ने मुझे मजबूर किया कि मैं मस्जिद आ जाऊँ। अमीर साहब मैंने आपको धक्का मारा, बातें सुनाई, मैं बड़ा बेचैन। क्या अस्सलाम वालेकुम? आप लोग टाइम है? इंसान थका हुआ आज आप लोग गेट पे खड़े रहते होंगे। फारिग लोग हो आप, जाके कोई काम धंधा ढूंढो। सलाम
आप चाहते तो आप मुझे धक्का मार सकते थे, बुरा भला कह सकते थे, मेरी इंसल्ट कर सकते थे, लेकिन आपने सब्र किया। यकीन माने, आपके सब्र ने मुझे इतना बेचैन किया कि मैं आप लोगों को ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते मैं मस्जिद आ गया, और यकीनन आपका सब्र ही मुझे मस्जिद ले आया है। अमीर साहब, ये खूबसूरत दीन मैंने भी सीखा। सुभान अल्लाह। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख। सुभान अल्लाह। अंजुम भाई, हमारा दीन बहुत खूबसूरत है। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि जो चीज सब्र से जीती जाती है वो शायद पैसा और दौलत से जीती है। पहले मैं 40 दिन के लिए जाऊँ या 4 माह के लिए? सुभान अल्लाह अंजुम भाई, पहले आप मेरे गले लग जाए। وظننت انا اني بذلك حست غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمال। بڑی پاورفل ویڈیو تھی اینڈ رمضان چل رہا ہے تو ایسی ویڈیو کی ویسے بھی بہت ضرورت تھی। What I feel is कि ये बहुत important message देता है। ये last episode भी था, and the biggest message in life should be of sabr, कि अगर आप सब्र करते हैं, अगर आप में सब्र है, and if you inculcate this thing, अगर आप inculcate कर पाते हैं अपनी life में, ये जो lesson हमें मिला है ये video देख के, I think you are sorted for life। बहुत important message था, बहुत अच्छा message था, and also what I really like is कि कैसे smile करते रहते हैं, वो smile करके बात करते हैं। एंड दो तीन चीज़ें जो मुझे और भी अच्छी लगी हैं, नंबर वन बीइंग नज़र के पर्दा, ऐसा एक था कि नीचे देख के चलें, कि मतलब कुछ भी इनकाउंटर, गलत चीज़ कोई भी इनकाउंटर ना हो, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड दे ऑलवेज स्माइलिंग, इतने प्यार से बात करते हैं। एंड आज का जो मेजर सबक था वो था सब्र का। बहुत अच्छी वीडियो लगी मुझे, इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल वीडियो एंड हैड अ ब्यूटिफुल मैसेज। So guys, this was my reaction. I really hope that you liked it. And if you did, this video, like kar do, leave down a lovely comments and don't forget to subscribe, guys. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.